लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर जाके बैठेंगे ताकि हम तमाम नज़ारे अच्छे तरीके से कर सकें। ये भी एक फोर्ट बना हुआ है और ये है वटा रूम। यहाँ पर हम लोग नहीं गए, रॉयल थाई नेवी हेडक्वार्टर भी यही है। हमारी पीछे वटारून की, ये पीछे वटारून है। Sunshine and bright, bags packed tight. Desi travelers ready for flight. TDC Kanaba Dosh, our travel band. Exploring new lands, hand in hand. Adventure calls. तो हम लोग म्यूजियम से निकल रहे हैं और यहाँ से हमने देखा है, थोड़ा सा सर्च किया है और यहाँ से आगे है बोट की राइड और वहाँ वो बोट लेके जाती है फारा सुमेन फोर्ट पे। तो रजनी नाम की बोट है और ऑरेंज बोट चलती है और यहाँ से 5 मिनट की वॉक है पियर तक और वहाँ से हम लोग जाएंगे फारा सुमेन फोर्ट। तो इस मरतबा हम ये भी लोकल ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे काउंट होती है और लोकल ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं कि हम बोट की राइड भी लेंगे। बस की राइड हमने ले ली, अब बोट की राइड लेंगे क्या वो अच्छा मुझे क्या अच्छा हमने एक बस की राइड ले ली, अब बोट की राइड भी लेंगे और उसके बाद हम जो है ना वो ट्रेन की राइड भी लेंगे। तो आज हमने लोकल ट्रांसपोर्ट, आज हमने सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट घूमनी है कि यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट हम जो है ना वो ट्राई करें। तो चलें जी जाते हैं फारा सुमेन फोर्ट। ये लिया है हमने पिज़्ज़ा, एक पीस मिला है हमें 70 बात का लेकिन बहुत मज़े का है, लेकिन बहुत टेस्टी है। चलें जी इसको एंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम लोग। और चीज़ मिला है ना? हाँ जी, सिर्फ टमाटो और चीज़ पे है, इसमें कोई भी वो हाँ जी मैंने उसको खाया है। चलें जी। हाँ जी, ये कैनाल आ रही है यहाँ से और इसका गेट भी लगाया हुआ है इन लोगों ने, पता नहीं अभी ये गंदे नाली का है गंदे पानी का। यहाँ पे भी MRT सनम चाय ये यहाँ पर भी बना हुआ है अपना मेट्रो का। अब हम देखेंगे कि जिस स्टॉप पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ से हमें फिर मेट्रो मिलती है या नहीं, लेकिन हम यहाँ से पियर में रजनी में चढ़ते हैं और जाते हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग रजनी पियर पे पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ से लिया है ये बोट का टिकट और ये हमें मिला है 30 बात ईच पर्सन यानी 60 बात में और ये फारा पे हमने जाना है। तो अभी हम बोट का वेट कर रहे हैं कि बोट आएगी तो हम लोग फारा अरिट उसकी तरफ जाएंगे। चले जी जुड़े रहे हमारे साथ। ये आपको पीछे एंशियंट बैंकॉक नज़र आ रहा होगा, वाइट टेंपल और वो दूसरी जगह है। लोहे के प्लेटफॉर्म्स किस तरह से बनाए हुए हैं, ये पिलर फिट हैं, इसमें पानी के ऊपर नीचे होने के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म भी ऊपर नीचे हो रहे हैं पियर्स। ये पानी कितना भी चढ़ जाए ये उतनी ऊपर तक आ जाएंगे। ये जी ये बोट आ गई है, इसके जो पैसेंजर्स हैं वो कुछ उतर रहे हैं कुछ चढ़ रहे हैं। ये कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखें जी यहाँ पे कैसी कैसी शिप चलती हैं तो लोकल में, ये पूरी एयर कंडीशन्ड है मेरे ख्याल के।
आ गई है, हम लोग जा रहे हैं पियर की तरफ। बहुत बुरी आवाज़ है, बहुत बुरी आवाज़ आ रही है इसकी। ओके जी, हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर जाके बैठेंगे ताकि हम तमाम नज़ारे अच्छे तरीके से कर सकें। ये भी एक फोर्ट बना हुआ है और ये है वटा रूम। यहाँ पर हम लोग नहीं गए, रॉयल थाई नेवी हेडक्वार्टर भी यही है। तो ये हमारी पीछे वटा रूम की, ये पीछे वटा रूम है। Shining bright, bags packed tight, Desi travelers ready for flight, TDC can never do a shot. हमने तो हजार हजार हाथ देके इतना enjoy नहीं किया जितना छठ बात देके। यकीन माने पिछली बार तो हमने हजार बात देके भी इतना enjoy नहीं किया। जितनी बार भी हमने दिए हैं पैसे बहुत ज्यादा दिए हैं और इतना हमें मजा नहीं आया ना हमने enjoy किया। इस बार हम छठी छठी बात में enjoy कर रहे हैं। यहाँ से लोग उतर चढ़ रहे ready for flight TDC canaba dosh our travel band exploring new lands hand in hand adventure calls hearts beat with glee from mountains tall to the endless sea from cultures to learn stories to share memories made up on the uncompare Spicy delights and fragrant tea, warm hospitality setting us free. Hidden gems we love to find, treasures untold for every kind. Adventure calls, hearts beat with glee. From mountains tall to the endless sea, from cultures to learn, stories to share, memories made up on beyond compare. Cameras click, capturing the view. New experiences, me and you. Desi laughter fills the air. Traveling together, a joy to share. Adventure calls, hearts beat with glee. From mountains tall to the end. जी व्यूअर्स, तो अब हमारा पोर्ट आ रहा है जहाँ पे हमने सुना जिस शेयर के हमारा आर्थिक शेयर ये इसका लास्ट स्टॉप है। यहाँ से फिर ये बोट रिटर्न होके वापस की तरफ जाती Right, bags packed tight, Desi travelers ready for flight, TDC canaba dosh our travel band, exploring new lands, hand in hand, adventure calls, hearts beat with glee, from mountains tall, to the endless sea, from cultures to learn, stories to share, memories made, up on the uncompare. Spicy delights and fragrant tea, warm hospitality setting us free. Hidden gems we love to find, treasures untold for every kind. Adventure calls, hearts beat with glee. From mountains tall to the endless sea, from cultures to learn stories. जी
व्यूअर्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं फारा सुमेन फोर्ट पे। जी व्यूअर्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं फारा सुमेन फोर्ट पे और ये मेरे पीछे आपको फोर्ट नज़र आएगा। अब इसकी एंट्री देखते हैं कि वो कहाँ से है, ताकि हम आपको ये पूरा फोर्ट दिखा सकें। है कोई छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये कोई पुराना तारीखी किला है यहाँ का। और तोबे ओबे भी रखी हुई हैं, इस पर वाइट कलर से बना हुआ है, तो मेरे पीछे आपको नज़र आएगा बिल्कुल ही। और उसके साथ ही यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है और यहाँ पे एक बारादरी टाइप की कोई चीज़ बनी हुई है। चले जी, हम आपको दिखाते हैं फारा सुमेन फोर्ट। ये है बैंकॉक का फारा सुमेन फोर्ट। फारा सुमेन फोर्ट, ये भी बंद है। ये इन्होंने दरिया के किनारे पे शायद वो बनाए हुए थे बुर्जे वगैरह। दो एंट्री, हर तरफ से दो एंट्री लगी हुई है। हाँ जी, बस ये इतना था जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। अब ज़मीन के अंदर है, नीचे है क्या नहीं है, लेकिन ये एक बुर्जी टाइप पे बना हुआ है और बिल्कुल दरिया के किनारे पे बना हुआ है। तो आने वाले जो दुश्मन हैं उनसे बचाव के लिए शायद ये किसी वक्त में बनाया गया हो दरिया के किनारे पे, कि दूर से ही पता चले और इन बुर्जियों से उन पर हमला किया जा सके। क्योंकि ऐसी जो रसद गाहें थीं जहाँ से तरसीलात का काम चलाया जाता था, लोग आते जाते थे, सौदागरियाँ होती थी, तो उन जगहों पे हिफाजती इंतज़ाम के तौर पे उस दौर के हुक्मरान इस तरह की चीज़ें बनवाया करते थे। ये यहाँ पर इन छोटे छोटे घरों में एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है, शायद फूड एरिया भी है। ये इसके पास ही एक, ये छोटे छोटे घरों में जो कैनाल अंदर की तरफ जा रहे हैं उसके पास एक छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है घरों में। और ये एक पार्क बना हुआ बड़ा खूबसूरत सा, लोग यहाँ पे आके शाम को एंजॉय करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कुछ जो है ना वो इसी तरह से घूम फिर रहे हैं। टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं स्पेशली ये फोर्ट देखने के लिए। तो अब इसके ज़मीन के अंदर कुछ हो एक्स्ट्रा कोई बड़ा तो वो एक अलग बात है, क्योंकि अंदर जाने नहीं देते, इसको बंद किया हुआ है। बाकी अदरवाइज़ तो ऊपर से बहुत छोटा सा, लेकिन इसको बुर्जी कह सकते हैं, फोर्ट तो नहीं कह सकते। और यहाँ पर ये पार्क के दरमियान यहाँ पे एक बारादरी बनी हुई है, ये चाइनीज़ बारादरी है। और ये पुराने पुराने दरख्त हैं, ये ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत ये वायर ब्रिज है। और आज ही मैं देखने जा रहा हूँ कि इस तरफ पियर है या नहीं, क्योंकि वो पियर जहाँ से हम उतरे थे वो तो आगे था। और यहाँ पे किसी का हेलमेट तैर रहा है, किसी का गिर गया है। हेलो, यहाँ से भी ये कश्तियाँ खड़ी तो हुई है, लॉन्ग टेल बोट खड़ी हुई है। अब इसका पूछ, हमने तो जाना भाई उसी बोट में। हाँ जी, ये बोट आ रही है, आ जाओ बोट आ रही है। हम लोग पहले उस तरफ से सीधे निकल गए थे जबकि ये रास्ता भी था तो बोट की तरफ जाने का। जी व्यूअर्स, तो उस पिछली बार जब हम थाईलैंड से हमने स्टार्ट किया था बैंकॉक से, तो उस वक्त जो चीज़ें रह गई थी, जो चीज़ें हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि शायद वो आते हुए हम फर्स्ट टाइम थाईलैंड आए थे तो कुछ चीज़ें समझने में ही हमारा अच्छा खासा वक्त निकल गया। तो वो जो 3 दिन हमारे यहाँ पर गुजरे और वो बड़े ही अजीब किस्म के थे,
खैर उसमें जितना हम कवर कर सके हमने आपको चीज़ें दिखाई, और आज इत्तेफाक से हमें फिर एक दिन रहने का मौका मिल गया थाईलैंड में, तो हमने ये सोचा कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ की वो ट्राई की जाए। तो हमने बस की राइड भी ले ली लोकल ट्रांसपोर्ट में, बोट की भी ले ली, अब सिर्फ रहती है ट्रेन की राइड। अब वो ट्रेन की राइड हमें दो तरीके से मिल सकती है, या तो यहाँ से भी हम लें, या फिर सुबह को हमने इंटरलिंक जो ट्रेन है जो एयरपोर्ट तक जाती है हमने उसमें जाना है, तो वो हम राइड उसमें ले लेंगे। तो यहाँ से मेरा प्रोग्राम है कि फिर से हम यहाँ से बोट में बैठेंगे और वट अरून जाएंगे। वट अरून भी एक अच्छी सी जगह है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बस जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और मेरी ये बात ज़रूर याद रख लें कि कहीं पर भी किसी भी शहर में थोड़ा सा उसका एक्सप्लोर करें, थोड़े से रिस्क लें, एक दिन इस तरह से ज़ाया करें, जाएं, हो सकता है कि आपको और कम बजट में और तमाम चीज़ों में, यकीन माने इतना ट्रिप हमें जो पिछली बार हमने 1000 baht दिए थे बोट वाले को, हमें उसमें हमने इतना एंजॉय नहीं किया जितना अभी हमने 30-30 baht दे के इस बोट में एंजॉय किया। तो बस आपको दिखाते हुए जाते हैं इंशाल्लाह ताला, जो जो चीज़ें जो जो आपके फ़ायदे की, कभी भी आप थाईलैंड आएँ तो आपको आसानी रहे, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताते हुए जाएंगे।